हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो। मैं अनंत, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मूवी लवर अनंत। तो मैं अनंत भाई आप लोग सभी को दिल से अपने हैप्पी न्यू ईयर विश करता हूं। उसके बाद में बात करता हूं वीडियो की। तो वीडियो में जिस सबकी अपडेट के बारे में आज मैं बात करने वाला हूं वो आ रही है ट्रिपल आर से। जो न्यूज आ रही है वो तो बहुत ही बुरी न्यूज आ रही है। जो बैड न्यूज हम लोग को मिली है दोस्तों, तो वो ये है कि जिस मूवी को पोस्टपोन कर दिया गया, आप लोगों को पता ही होगा, दो दिन मैंने पहले ही वीडियो बनाया था कि SS राजामौली सर ने खुद कहा था कि इस मूवी की रिलीज डेट को हम लोग कहीं भी पोस्टपोन नहीं कर रहे हैं। मगर आप लोगों और दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि कर्नाटका और कई अदर स्टेट में 50% ऑक्युपेशन के साथ थिएटर्स को रन करने के जो रूल है उसे पास किया है। उसके बाद में ट्रिपल आर के जो फिल्म मेकर्स हैं उन्होंने कहीं ना कहीं कोविड को कंसर्न और डेप्थ थ्रेट लेते हुए इसको निर्णय को इससे लिया गया कि इस मूवी को हम पोस्टपोन कर रहे हैं। और अभी तक तो कहीं पर भी ऑफिशियली पता नहीं चला है कि जिसकी नेक्स्ट डेट होगी वो क्या होगी। और जहां तक रूमर से पता चल रहा है कि शायद 1 अप्रैल को ये फिल्म रिलीज की जा सकती है। मगर उसी समय में महेश बाबू की भी एक मूवी आ रही है। और बात करें जो नेक्स्ट अपडेट की वो आ रही है राधे श्याम से। राधे श्याम की फिल्म मेकर्स ने ट्रिपल आर से पहले ही पोस्ट करके कहा था कि हम लोग जिस मूवी की पोस्टपोन कहीं भी नहीं कर रहे हैं, हमारी जो डेट है 14 जनवरी, हम उसी दिन फिल्म को रिलीज करने वाले हैं। आप लोगों को पता होगा प्रभास के स्टारर और हमारे पूजा हेगड़े जो मच अवेटेड मूवी है राधे श्याम, इसकी जो इतनी हाइप बनी हुई है उसके और इस मूवी को आने में अभी 14 डेज है। 14 जनवरी को तो फिल्म रिलीज होने वाली है, तो 14 दिन अभी इस मूवी को है रिलीज होने के लिए। तो सही ना कहीं वो सोच रहे हैं कि शायद सुधार आ जाए हालत पे, पर अब कहीं ना कहीं ऐसे आसार लग रहे हैं कि शायद और बिगड़ेंगे। मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है कि अब ये भी फिल्म हम लोग को थिएटर्स में देखने को मिलेगी। बाकी बात, आप इस दोनों फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड थे ये हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और मेरे चैनल पर जरूर बने रहिएगा, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और बने रहिएगा मेरे चैनल पर दोस्तों। बाय बाय दोस्तों।